सकते हैं और हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे साथ ही साथ यदि आपके प्रार्थना विषयों का उत्तर मिलता है तो वो भी हमें बताएं क्योंकि हम मिलकर आपके साथ परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे इसके पहले हम आज के वचन में जाएं आइए अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन जीवता और कार्य करने वाला है प्रभु जी आज हमारे जीवनों को हमारे हृदयों को तो छेद प्रभु जी ये वचन हमें जहाँ पर हमारी गलतियाँ हैं वो गलतियाँ दिखाएँ और जहाँ हमें बढ़ना है दृढ़ होना है वहाँ हमें दृढ़ करें सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु जी आप जानते हैं हर एक की ज़रूरत उसके अनुसार आप उनसे बातचीत करें इस विनती को यीशु के नाम में मांगती हूँ सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी आम पिछले कुछ दिनों में हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे थे हमने देखा कि प्रार्थना एक जीवन शैली है इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि प्रार्थना जीवन में हमें विश्वास की ज़रूरत है साथ ही साथ प्रभु से हमें आज्ञाकारी होना चाहिए और आज मैं आपके सामने एक व्यक्ति के जीवन से बातचीत करना चाहूँगी या कुछ बातों को लाना चाहूंगी कि, कि किस तरह एक प्रार्थना का जीवन जब था उसका तो उसके जीवनों में परमेश्वर के कार्यों को देखा गया और आज का मेरा जो वचन जो मैं आपके साथ बांटूंगी इसका शीर्षक है प्रार्थना पुरुष दानियल हम सब दानियल की कहानी जानते हैं हो सकता है आप में से कुछ न जानते भी हों तो आज मैं उसके जीवन में से कुछ तीन प्रमुख बातें आपके साथ बांटना चाहूंगी इसके पहले कि हम उन बातों को देखें, हम दानियल के विषय में उसकी पृष्ठभूमि यह उस समय की बात है जब यहूदा के राजा यहोई आकिम थे, और उस समय क्या हुआ? नामक एक राजा ने आकर इसराइल पे चढ़ाई की और वहां से बहुत बंधुओं को लेके गया और दानियल इस तरह एक युवा एक जवान लड़का था जब उसे बंधुआ बना के ले जाया गया लेकिन वो एक बहुत ही कुलीन व्यक्ति था अच्छे राजपुत्रों में से था हम दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय तीसरे पद में पढ़ सकते हैं कि राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से था क्योंकि राजा जब इनको पकड़ के ले जाता है बंधुआओं को ले जाता है तो वो आज्ञा देता है कि जितने राजपुत्र हैं और जितने प्रतिष्ठित पुरुष हैं उनमें से कुछ जवानों को चुनकर उन्हें शिक्षा दो ताकि वो मेरे राज्य में मेरी सेवा कर सकें और इस तरह दानियल और उसके तीन मित्र जिनको हम जानते हैं शदरक मेशक और अभदनगो के नाम से इन ये चार जवानों के विषय में हम पढ़ते हैं जब दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो आगे चौथे अध्याय में दिया गया ऐसे पुरुषों को चुना गया था जो निर्दोष सुंदर सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों ऐसे जवानों को जब चुना गया उनमें एक था दानियल लेकिन यहाँ पर दानियल की खासियत खत्म नहीं होती दानियल बाहरी रूप से तो बहुत अच्छा था दिखने में सुंदर था बुद्धिमान था इससे बढ़कर लेकिन उसमें एक गुण था कि वो चाहे अपने परिवार से दूर अपने देश से दूर अपने लोगों से दूर था लेकिन वो अपने यहोवा के बहुत करीब था उसने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ा था बचपन से उसने परमेश्वर के वचन के बारे में सीखा था और वह उसको उसके वचन का पालन करना चाहता था और इसी बात को हम पढ़ सकते हैं पहले अध्याय के आठवें पद में लिखा है परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए इसके बारे में देखें तो जब लोगों को चुना गया था तो उनको वही भोजन दिया गया जो राजा खाते थे और वही मधु पीने को दिया गया जो राजा पीते थे और क्योंकि ये एक अन्य देश में थे तो वहाँ पर उन उधर की रीति के अनुसार वहाँ के देवी देवताओं को ये चढ़ाया जाता था और दानियल एक यहूदी था और उसके लिए वह उसे अपवित्र कर देता अगर वो यह खाना या ये दाख मधु पीता उसे मालूम था कि उस का यहुवा जनन लगने वाला परमेश्वर है वो जानता था उसके बचपन से जो कुछ नियम पवित्र और अपवित्र के विषय में सिखाए गए थे और चाहे वो अपने घर से दूर था वो उसका पालन करना चाहता था इसलिए उसने मन में ठान लिया बहुत ही सुंदर शब्द है उसने अपने मन में ठान लिया कि वो अपने आप अपवित्र नहीं करेगा तो जो बातें मैं आपसे बांटना चाहती हूँ यह उसमें पहली बात है कि वो अपने यहुवा का भय मानता था दूसरी बात हम आगे छठवें अध्याय में जब जाएंगे तो वहाँ पढ़ते हैं कि वो एक प्रार्थना का पुरुष था उसका नियम था दिन में तीन बार अपने घर के जो खिड़की है वो यरूशलेम की ओर खोलकर वो यहोवा से प्रार्थना करता था तो हम देख सकते हैं वो ने न केवल एक राजकुमार या राजपुत्रों में से एक था उसके सिवाय वो परमेश्वर से प्रेम करता था और वो निरंतर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था इसके जीवन के अलग अलग जो घटनाएं हैं इनमें से मैं आपसे तीन बातें बांटना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा सबसे पहली बात यह है कि जब हम परमेश्वर के लिए एक कदम उठाते हैं एक स्टैंड लेते हैं परमेश्वर के लिए या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारा परमेश्वर जो हमें देखता है वो क्या करता है वो हमारा आदर करता है वो हमें आशीषित करता है और यह हम देख सकते हैं पहले अध्याय में जब मैंने कहा कि यहाँ पर जो चुने हुए लोग थे उन्हें राजा का भोजन और राजा की दा का दाख रस दिया जाता था लेकिन दानियल ने सोचा कि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा क्योंकि यहूदियों के कुछ नियम थे खाने पीने के उसके जो तीस मित्र थे मिलकर उन लोग क्या करते हैं कि जो खोजों का प्रधान था उसके पास जाकर कहते हैं कि हमें कुछ आप ये खाना ना दीजिए हमें केवल जो सब्जियां हैं और उसके साथ पानी पीने के लिए दीजिए तो वो प्रधान घबरा जाता है कहता है कि मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ और क्योंकि यदि मैं तुम्हें साधारण खाना दूँ और दूसरे लोग ये अच्छा पौष्टिक आहार और ये जो राजा का आहार है वो खाएं तो वो हृष्ट पुष्ट दिखेंगे और तुम्हारे चेहरे उनके सामने मुरझाए दिखेंगे और जब राजा ये अंतर देखेगा तो मेरे को मरवा डालेगा लेकिन यहाँ पर दानियल क्या करता है वो उनसे मांगता है कि क्या आप एक दस दिन के लिए एक टेस्ट करें एक परीक्षा करें दस दिन के लिए आप देखिए और जांच के देखिए हमें साधारण खाना दीजिए और बाकी लोगों को जो राजा का भोजन है वो खाने दीजिए यदि में और उनमें कोई फर्द दिखे हम उनसे उतने पुष्ट न दिखे तो आप हमें फिर से वही खाना दीजिएगा हम खाने को तैयार हैं यह बात जो प्रधान था उसको अच्छी लगी और उसने बोला ठीक है दस दिन के लिए हम मैं तुम्हें जो साधारण खाना दूंगा और हम देखते हैं कि दस दिन के बाद तुम्हारी सेहत कैसी है और परमेश्वर का वचन दानियल उसके पहले अध्याय पंद्रहवें पद में कहता है दस दिन के बाद उनके मुँह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। परमेश्वर ने जब उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, जो हमें सिखाया गया जो हमें पढ़ाया गया हम उसका भले ही हम अपने घर में नहीं हैं, हम उसका पालन करेंगे तो परमेश्वर यहोवा ने उनका मान रखा और उनके जो चेहरा था वो दूसरों से ज्यादा क्या कहता है ज्यादा अच्छे और चिकने दिखाई दिए लेकिन परमेश्वर यहाँ रुकता नहीं है सत्रवा परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ ज्ञानी हो गया तो परमेश्वर ने न केवल उनको उधर उनकी लाज रखी कि वो अच्छे दिखने में हष्टपुष्ट दिखे लेकिन उन्हें बुद्धि से भी भरा और बहुत बुद्धि और ज्ञान से भरा और इसका आखिरी जो है ना उन्नीस और बीसवा पद मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर यह हुआ कि अब जो इन लोगों को चार पाँच साल या जितने साल की उनकी पढ़ाई थी वो पूरी होती है और इसके बाद राजा उनसे वार्तालाप करते हैं उनसे बात करते हैं और उनस्मापद कहता है राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल हनन्या मिशाइल और अजरिया के तुल्य उन सब में कोई न ठहरा इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे हमारे आज के परिस्थितियां या आज की पढ़ाई को देखकर हम उसकी तुलना कर कर ऐसे बोल सकते हैं कि उन्होंने शन आईआईटी आईएम से पढ़ाई की अपनी पढ़ाई में ना केवल उन्होंने टॉप किया लेकिन जैसे कहते हैं ना कैंपस इंटरव्यू में भी क्लियर कर सरकारी नौकरी पा ली बिल्कुल वैसे ही था उनके साथ कि वो उनसे ऊपर कोई ना था उन्होंने टॉप किया और इमीडिएटली उनको तुरंत राजा के यहां पर सन्मुख में हाजिर होने के नौकरी मिल गई वो वहां आ गए लेकिन परमेश्वर यहां भी नहीं रुकता उन्होंने एक कदम उठाया परमेश्वर ने उनको पहला तो ये आशीष थी कि वो सेहत में ज़्यादा अच्छे थे दूसरा बुद्धि में सबसे अच्छे थे और तीसरी बात यहाँ दिया गया है कि बीसवें पद में जो सबसे सुंदर है वो कहता है बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से दस गुणे निपुण ठहरे कितनी अद्भुत बात है वो ज्योतिषी और तांत्रिक जो सालों से राजा के साथ कार्य कर रहे थे उनका ज्ञान कितना कुछ उन्होंने पढ़ा होगा उनसे जब तुलना की गई तो उनसे भी दस गुना निपुण ये चार निकले क्यों क्योंकि इन्होंने यहोवा को अपना प्रभु माना और उसको आदर किया जब हम परमेश्वर के लिए कदम उठाते हैं तो वो हमें आशीषित तो करता ही करता है वो हमें आदर दिलाता है जो दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में पाया जाता है जब हम परमेश्वर को खोजते हैं जब हम उसको ढूंढते हैं जब हम उसको काटते हैं तो वो हमें उत्तर देता है और अपने आप को प्रकट करता है यदि हम इस वचन को पढ़ते हैं दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि नबुकद ने राजा उसके दूसरे वर्ष में उसको एक सपना आता है और वो उस सपने को देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने सारे जो ज्योतिषी जो थे और सारे लोगों को बुलाता है और वो उनसे बोलता है कि मुझे मेरा स्वप्न बताओ और उसका जो मतलब है वो भी बताओ अब उसके जितने ज्योतिष और तांत्रिक और जितने पढ़े लिखे लोग थे वो कहते हैं राजा आप हमें अपना स्वप्न बताइए हम उसका उत्तर देंगे उसका मतलब आपको बता देंगे लेकिन राजा क्रोध में कहते हैं कि नहीं तुम्हें मेरा स्वप्न फल समेत बना बताना है तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे छठवें पद में लिखा है पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे वो राजा कहता है कि मैं तुम लोगों को मरवा डालूँगा और इस कारण लोग परेशान हो जाते हैं ये जो ज्योतिष थे और जितने ये जो पंडित थे वो परेशान हो जाते हैं और राजा फिर वो हुक्म देता है कि सबको मार डाला जाए सारे जो जितने पंडित लोग थे उनके राज्य के उनको सबको मरवा डाला जाए और इस तरह जब दानियल उसके मित्र थे उनको मारने जब पहुंचते हैं तो दानियल पूछता है अंगरक्षक उससे पूछता है कि क्यों ऐसा राजा ने एकदम से ऐसा एक नियम निकाला तो वो बताते हैं कि राजा ने ऐसा सपना देखा है और वो उसका अर्थ जानना चाहते हैं सपने के साथ तब दानियल बोलता है मुझे एक बार राजा के पास ले जाओ तो राजा के हाकिम से पूछता है कि यह आ कि मुझे कुछ समय दिया जाए कि मैं परमेश्वर से पूछूँ और जान इस स्वप्न को और उसका अर्थ बता सकूं। राजा उसकी अनुमति देते हैं और उसके बाद वो उसके बाद जो बात है वो सबसे सुंदर है जो हमें देखना है सत्रहवें पद में लिखा है तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्नया मिशाइल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग और उसके संगी भी नष्ट न किए उस अपने मित्रों को बुलाता है और क्या करते प्रार्थना करो कि ऐसा ना हो कि बाकी लोगों के साथ हम भी नष्ट हो जाएं और उनने समय पद में लिखा है तब वह दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया तब डैनियल ने स्वर के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया कि तू महान है वो परमेश्वर की स्तुति गान करने लगता है डैनियल ने क्या कहा जब वह उधर पहुंचता है वो कहानी सुनता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा, या अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करूंगा दौड़ता है अपने घर आता है और परमेश्वर को खोजता है अपने मित्रों को बुलाता है बोलता प्रार्थना करेंगे और वह मिलकर परमेश्वर को खोजते हैं और परमेश्वरों ने उत्तर देता है और इसके बाद वो राजा के सामने खड़े होकर न केवल वह उस जो ने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न बताता है लेकिन उस जो मतलब है वो भी बताता है और जब उसे राजा के सामने खड़ा किया जाता है तो दूसरे अध्याय के छब्बीसवें पद में दानियल से राजा पूछता है क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए जब राजा इस तरह पूछता था दानियल का उत्तर देखिए दानियल ने राजा को उत्तर दिया जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित न तंत्री न ज्योतिषी न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं परंतु भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबुकदनेजर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है वो उस जगह खड़े होकर उसका जो भरोसा उसकी खुद की बुद्धि में नहीं था और वो राजा को बताता है वो गवाही देता है कि मैं नहीं कोई ज्योतिषी या तंत्रिक नहीं लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर वही बता सकता है और वो उसने तुम्हें बताया है और उस तरह डानियल वो सारे स्वप्न के बारे में बताता है उसका अर्थ बताता है तब छियालीसवां पद कहता है इतना सुनकर नबकद राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ यहाँ हम देखते हैं कि वह राजा जिसके सामने सब दंडवत करते वो दानियल के सामने गिर कर दंडवत करता है और उसको भेंट देता है सुगंध वस्तु जलाता है और उससे बढ़कर अगली बात वो कहता है फिर राजा ने दानियल से कहा सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया देखिए क्योंकि दानियल ने परमेश्वर को खोजा उसको आदर दिया परमेश्वर ने वो उस जो दूसरे एक राजा था उसके सामने परमेश्वर की महिमा हो सकी और उस राजा ने परमेश्वर को महिमा दी दानियल का पद बढ़ाया गया और तीसरी बात जो हम यहाँ सीखते हैं के जीवन से वो है जब हम उसको पुकारते हैं या प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनकर हमें बचाता है यह हमें मिलता है दानियल के छठवें अध्याय में एक और बात मैं जो यहाँ बताना चाहूंगी कि अब तक दानियल जो नबगत राजा के समय में वो राजा बना आ, वो और राजा के कार्य में प्रवेश किया था उसे एक बहुत बड़ा अहदा दिया गया था नब के बाद हम देखते हैं बल्शेजर राजा बनता है और उसके समय भी, भी ऐसा कुछ होता है कि अंत में दानियल को ढूंढ के लाया जाता है और वह कुछ बातें गूढ़ बातें उसको बताता है अब क्या हुआ बलशेसर जो नब का बेटा था उस पर दूसरे एक राज्य ने आकर चढ़ाई की और मे मादी जो राज्य है उसका राजा वह दारा अब यहाँ पर राज्य कर रहा है लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने दानियल को ऊंचाई पर रखा अच्छे औहदे पर रखा शायद राज्य बदल जाए अधिकारी बदल जाए लेकिन हम परमेश्वर के लिए खड़े रहने वाले स्थिर रहते हैं और दारा राजा के समय में ऐसा हुआ कि उसने 120 सौ बीस अधिपतियों को चुना और ठहराया कि वो राज्य के कार्यों को संभाले और उनके ऊपर तीन लोगों को उसने अध्यक्ष बिठाया और उन तीन अध्यक्षों में एक था दानियल और छठवें अध्याय के तीसरे पद में लिखा है जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली राजा को लगने लगा कि इसको उनके भी ऊपर करें। और जब ऐसा हुआ तो उसके साथ के अधिकारी जो अधिपति थे और जो अध्यक्ष लोग थे उनमें जलन होने लगी और वो सोचने लगे कि हम किस तरह इसके विरोध में कुछ ढूंढ सकते हैं और चौथे पद में लिखा है तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके जब उन्हें लगता है कि हम तो उसके कार्य वो इतना विश्वास योग्य था उन्हें कुछ नहीं मिला लेकिन वो फिर सोचने लगे क्या कर सकते हैं और पांचवें पद में लिखा है कि वो कहते हैं कि हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे वो अपने कार्यों में इतना विश्वास योग्य था कि उसके विरुद्ध इतने सारे लोग मिलकर ढूंढने की कोशिश की फिर भी वो कुछ नहीं पा पाए आखिरकार उन्होंने एक आ, उन्होंने एक प्लान बनाया और वो राजा के पास गए कि बोला कि एक महीने के लिए राजा के सिवाय और किसी से कोई प्रार्थना कर न करें और ये सुनकर राजा खुश हो गए उन्होंने एक नियम निकलवा दिया यदि कोई किसी और ईश्वर से प्रार्थना करेगा तो उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा और जैसे ही नियम निकलता है दानियल को भी पता चलता है लेकिन जो मैंने कहा था वो एक प्रार्थना पुरुष था और छठवें अध्याय के दसवें पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ है। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में तीन बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसे ही तब भी करता रहा उसने वो नहीं रोका जब परमेश्वर की वाचा परमेश्वर के वचन और नियमों की बात आती थी तो दानियल उसमें बिल्कुल ना हिलता था ना मुकरता था और उसने वैसे ही प्रार्थना किया और इन लोगों ने आकर देखा कि वो अपने को, कोठरी को खोल कर प्रार्थना कर रहा था इन्होंने उसको प्रार्थना करते हुए देखा और झट जाकर राजा के पास बताया कि देख एक व्यक्ति है जो तेरे उस नियम का पालन नहीं कर रहा और इस कारण से उसे दा, जो शेरों की मांद में डालना पड़ा राजा खुश तो नहीं थे बहुत ही तकलीफ में थे दुख में थे क्योंकि राजा का खास था दानियल और राजा को पता था कि ये उसे फंसाया जा रहा है किंतु राजा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो नियम निकल चुका था और सोलवें पद में हम देखते हैं जब राजा उस दानियल से कहता है उस समय राजा ने दानियल से कहा तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए यहाँ राजा स्वयं उसे कह रहा है तेरा परमेश्वर तुझे बचाए और हम जानते हैं कहानी उसको शेरों की मांद में डाला जाता है और रात भर राजा सो नहीं पाते हैं सुबह सुबह वो आते हैं दौड़ के आते हैं और वहाँ आकर चिल्लाने लगा और दानियल से कहा हे दानियल हे जीवित परमेश्वर के दास क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग-युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की और इससे राजा बहुत खुश होते उसे बाहर निकालते जो उन्होंने उसके विरुद्ध में ये प्लान किया था उन्हें उसमें डाला जाता है आखिरकार अंत में राजा कहता है मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा राज्य और का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थर थराते रहें क्योंकि जीवता और युगानी युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी और इसके बाद दानियल न पूरे टाइम उस राजा के न केवल उस राजा के उसके अगले राजा के भी राज्यकाल में एक ऊंचे उहदे पर था मेरे भाई और बहनों जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं जैसे मैंने कहा यदि हम परमेश्वर के लिए खड़े हों तो वो हमें हमें आदर देता है हम उसको जब ढूंढते हैं तो हम उसको पाते हैं वो अपने आप को प्रकट करता है और जब हम उसे पुकारें तो वो हमारी सहायता करता है प्रार्थना में लगे रहें अगर आप प्रार्थना का एक जीवन रखेंगे तो परमेश्वर स्वयं आपके लिए खड़े होएंगे आपकी जो भी मुसीबत हो चाहे लोग आपके विरोध में कुछ कर रहे हो प्लान कर रहे हों याद रखें आपका परमेश्वर आपके साथ है आइए हम प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु हम नहीं जानते सुनने वाले लोग किस परिस्थिति से हो के गुज़र रहे चाहे वो बीमारी हो चाहे वो तकलीफ हो चाहे दूसरे लोग उनके विरोध में कुछ प्रभु जी योजनाएँ बना रहे हों प्रभु जी या उनकी नौकरी के पीछे हों प्रभु जी जो भी हो आप उनके साथ रहें एक प्रार्थना का जीवन उन्हें दें और प्रभु होने दें जब वह आपके लिए एक कदम बढ़ाएं तो आप उनका आदर करें जब वो पुकारें तो आप उन्हें छुड़ाएँ प्रभु जी हाल जब वो आपको ढूंढे तो वो आपको पाए प्रभु जी धन्यवाद आदर महिमा हम आपको देते हैं इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं सुनिए और ग्रहण करें प्रभु आम हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ये नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और यदि कोई भी प्रार्थना विषय हो तो हमसे बांटिए हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे ये हफ्ता आपके लिए आशीषमय हूँ जय की